अंधविश्वास किसी भी व्यक्ति के सिर उपर किस तरीके नाल सवार हुंदा है, इसकी यह जुड़ी ताज़ा मिसाल वेखन नूं मिली है। पंजाब के खन्ना विच एक व्यक्ति ने अंधविश्वास विच अपनी ही 5 साल बेटी की हत्या कर दी। बेटी की हत्या करने तो बाद आरोपी अपनी पत्नी के नाल फरार हो गया। इसकी सूचना पुलिस नूं मिली, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी नूं गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान है जिहड़ी गुरप्रीत सिंह निवासी पिंड गोसला दे रूप दे विच हुई है। उसने पिंड दे कोल नारियल तोड़न दे बहाने बेटी नूं नहर दे विच धक्का दे दिता। आरोपी दे खिलाफ पुलिस नूं शिकायत उसके भरा दे वल्लों दर्ज करवाई गई। उन्होंने पुलिस नूं दस्या कि सोमवार की सवेरे किस तरीके दे नाल उसकी पत्नी 8 साल बेटे 5 साल बेटी मोटरसाइकिल से वह व्यक्ति लै गया, पर करीब 3 घंटे बाद जब वह परतिया तो उसके नाल बेटी नहीं सी। गुरचरण सिंह ने आरोपी भरा गुरप्रीत सिंह तो उसकी बेटी बारे पूछा, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिता। अपने पद्धर से पड़ताल करने गुरचरण सिंह नूं पता लग्या कि गुरप्रीत सिंह ने बेटी की हत्या कर दी है। थाना पुलिस ने आरोपी गुरप्रीत सिंह समेत एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला जिहड़ा दर्ज कर दिता है। होर अपडेट लैके रूबरू होवांगे, जुड़े रहो लुधियाना लाइव नाल। इनिशियली पता लग्या कि एक जिहड़ा कंप्लेनेंट है उहदा नाम गुरचरण सिंह है, ये पिंड रोले दे रहण वाले है। इन्हां ने दस्या कि उहदा छोटा भरा जिहदा नाम गुरप्रीत सिंह है ते उहदी वाइफ गुरजीत कौर, इन्हां दे दो बच्चे है, एक बेटा 8 साल दा है ते लड़की 5 साल दी है। भी वह घरों सवेरे गए सीगे ते उस तो बाद 2-3 घंटे बाद वापस आया, मगर उन्हां दी लड़की मिसिंग है। तो उन्होंने शक सीगा कि जिहड़ा उहदा भरा हैगा वह किसी साध वगैरह के चक्करां च पिया होया है, क्योंकि इन्हां दे घर च काफ़ी थोड़ा कलेश रहिंदा है। तो उहदा भरा कहिंदा सी कि मैनूं एक साध दसदा है भी जे तू अपनी जे तू उपाय नहीं किया मेरे कहण ते तां तेरी जिहड़ी माता है वह चले उहदी डैथ हो जाएगी, इस करके तू अपने अपने बच्चे का जिहड़ी बेटी है उहदा बलिदान दे दे। तो इन्हां नूं शक सी कि शायद इसे साध के चक्कर च ये दोनों हसबेंड वाइफ मिल के अपनी बेटी नूं नहर च धक्का मार आए है। तो उस बयान पर असी FIR लॉन्च किया है, तो ब्रदर के बयान पर 302-120B का थाने संभराले और इन्हों दोनों काबू कर लिया सी हसबेंड वाइफ में। पर जदों इन्होंने DSP संभराल और SHO ने थोड़ी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की उदों पता लग्या कि जिहड़ा ये गुरप्रीत है वाइफ उहदी इक वह डिप्रैशन की मरीज़ है, तो उन्होंने थोड़ा बहुता मैंटली थोड़ी बहुत ज़्यादा चुस्त नहीं हैगी है। तो यदि अपनी ही वड्डी भैन है जिहदा नाम हैगा सुखविंदर कौर, ये संगाली थाना अंबरगढ़ जिला मलेरकोटला च रहिंदी है, मैरिड लेडी है। कि इन्हें इहदी वाइफ दी जिहड़ी सिस्टर है कि ना सुखविंदर कौर और जिहड़ा इहदा हसबेंड है, इन्हां दोनों का आपस च कोई गलबात सीगी ते इन्हां ने प्लान किया सी कि क्योंकि ये डिप्रैशन की तो थोड़ी मन बुद्धि टाइप की हैगी, तो असी दोनों इन्होंने प्लैन किया भी इनू धक्का मारना नहर से जाके। बट जदों 12 तरीक न सवेरे 8 बजे दोनों हसबेंड वाइफ गए, वो बच्चों भी नाल लै गई। तो यदा प्लैन सेगा गुरजीत का कि अपनी वाइफ नू नारियल तारन के बहाने धक्का मारेगा, तो इन्हें मारिया भी, बट समहाओ उन्हें लड़की छोटी लड़की हाथ से फड़ी हुई सी, तो धक्का मुक्की च बच्ची नहर च मतलब पुश ऑफ हो गई, तो उहदी डैथ उहदा मर्डर हो गया अनइंटेंशनली। बट प्लैन इहदा हसबेंड दा सी अपनी सानिया नाल मिलके अपनी वाइफ नूं मारन दा। सो ये बहुत ही अगेन सोशली बहुत ही सेंसेशनल और हीनियस क्राइम है कि भावें अपनी वाइफ नूं भी मारन दा प्लैन कर रहा सी और बच्चा भी 5 साल दा छोटा बच्चा अपने ही बच्चे नूं उहने मार दिता। तो असी रात नूं इमीजिएटली इहदी जिहड़ी साली है उहनूं भी राउंड अप कर लिया, तो इन्हां दोनों तो पता लग्या कि वाइफ दा कोई रोल नहीं सीगा। इस करके SHO समराला और DSP ने अपनी तफ्तीश उस लेडी नूं तां इनोसेंट कर दिता, बट जिहड़े हक्की दोषी है मेन हसबेंड और उहदी साली उन्होंने असी राउंड अप कर दिता और असी एफर्ट्स कर रहे हैं कि वो बच्ची की भी लाश जल्दी तो जल्दी बरामद हो जाए।